तारीख है 22 नवंबर 2023, समय है 08:23 PM। अब कुछ एक ऐसे मामले हैं जिनको मैं आज ऐसे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, जो हिंदी में समझ में आ जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाने वालों को भी और कुछ ऐसे लोगों को भी जो अपने आप को बहुत 30 मार्का समझ रहे हैं। इनको चाहिए मेरा लाइसेंस, कि मेरे पास लाइसेंस है या नहीं है नारकोटिक्स में अफीम बेचने का। तो भाई ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट चला जा, वो खुद अपने आप कॉन्टेक्ट करेंगे, मैं तो जाऊंगा नहीं जो लेके, ठीक है ना, क्योंकि लाइसेंस तूने मांगा, मैं तो तेरे पास आया नहीं। और वहाँ लाइसेंस में क्या होगा वो बता देता हूँ तुझे। और कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेकड़ी निकालेंगे ना अब ICJ वाले, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, वो बड़े अच्छे से पता लग जाएगा यहाँ के सारे अफसरों को, चाहे ईरान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, जिस किसी को लाइसेंस देखना हो ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आ जाए। कश्मीर की ज़मीन मेरी कैसे है, ठीक है, मेरे पास वेपन्स का लाइसेंस क्या है, नारकोटिक्स का लाइसेंस है या नहीं है, मेरे पास जो है क्या कहते हैं आपका, हाँ, एयरलाइंस के लाइसेंस है या नहीं है, एयरफोर्स बनाने का लाइसेंस है या नहीं है, फाइटर जेट का, सब बता देंगे। कैसे, मैं बताता हूँ आपको, मेरा यार लाइसेंस मेरे हैं ना, मुझे मालूम है ना क्या देखने को मिलेगा तेरे को वहाँ पे। किशन पहलवान नाम है तेरा, कि सुन, बेइज्जती हो गई तेरी, गिरवान पकड़ ली ना तेरी दुकान पे ही, इतनी देर का काम है मेरे लिए, ठीक है, इतनी देर का काम है। अब मैं तुझे बताता हूँ, अब तू लाइसेंस देखने जा, क्या कह रहा था भाई, दिल्ली पुलिस के कुछ अफसरों को मेरा लाइसेंस देखना है नारकोटिक्स का, कि मेरे पास अफीम बेचने और खरीदने का लाइसेंस है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना, बेसमेंट में आधे से ज़्यादा बेसमेंट मेरे लाइसेंसों से भरा पड़ा है, साफ लिखा हुआ, वहाँ मेरी फ़ोटो भी लगी हुई है। जब तू अफीम का लाइसेंस ढूंढेगा ना, ओप्पो कर रहा है ना, ओप्पो कोड है, अब ओप्पो मोबाइल चल, तो तेरे साथ तेरे बंदे और दिल्ली पुलिस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हर उस ऑफिशियल को बुलाया गया है, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में लाइसेंस चेक करने के लिए। पता वहाँ क्या मिलेगा, कांच के बॉक्स में एक इंसान जिसको अफीम में उबाल के मारा गया है। लाइसेंस ऐसे बनते हैं, खोलते हुए अफीम में ना तेरे जैसे क्रिमिनलों को डाल दिया जाता है और फिर उसके शरीर का एक हिस्सा काट के बेचा जाता है। बिकने के बाद वही कैनिबलिज्म का भी लाइसेंस होता है, जी हाँ, बिकने के बाद उस पैसे की जो रसीद कटती है ना, पहली रसीद इंटरपोल में जाती है और उसी का पैसा ICJ में जाता है। इंटरपोल वाले जो है वो लाइसेंस अप्रूव करते हैं, सर लाइसेंस तैयार हो गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 36 राज्य हैं और 36 राज्यों में मैं अफीम बेचूंगा सरेआम, और जिस किसी राज्य में जिस डिपार्टमेंट को और जिस पुलिस वालों को दिक्कत होगी लाइसेंस के लिए, वो वहां जाएगा, लाइसेंस देखेगा और तेरी पूरी टीम देखेगी, और उनमें से कुछ बंदों को हम खोलते हुए अफीम में डालेंगे। उसके बाद तू अपने हाथ से भारत सरकार के कागज पे लिखेगा कि हाँ जी, अफीम का लाइसेंस है इसके पास, समझ गया। इनकम टैक्स का लाइसेंस जानता क्या है वहां पे, नहीं बता तुझे। एक औरत बच्चा पैदा करते हुए, पर बच्चा आधा ही बाहर निकला हुआ है, मरी भी होगी, समझ गया, ये इनकम टैक्स का लाइसेंस है। इनकम टैक्स इंटरनेशनल लाइसेंस है सारे, जाके देख ले। जिस किसी को ये दिक्कत हो ना कि इस घर का मैंने इनकम टैक्स नहीं भरा है और अपने बिजनेस का, वो वहां चला जाए, फिर उनमें से कुछ लोगों को और कुछ औरतों को ठीक इसी प्रकार से मारा जाएगा और उस राज्य का लाइसेंस बना दिया जाएगा। फिर उसके बाद तुम अपने हाथ से लिखोगे, ICJ हूँ भूतनी के, इंटरनेशनल क्रिमिनल जज, मुझे ही नहीं पता वो लाइसेंस क्या होता है, हैं? मुझे ही नहीं पता होगा। प्रोस्टिट्यूशन का लाइसेंस पता है कैसा है, देह व्यापार का, एक औरत उसके पेट से बच्चा सामने से बाहर आ रहा होगा आधा और कटा फटा हुआ, मरी भी होगी वो,
ये लाइसेंस है, एकदम ब्रांड न्यू लाइसेंस मंगा रहा हूँ मैं अपने, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ या नहीं इसका लाइसेंस भी है वहाँ पे, बिल्कुल है। एक आदमी उसको और औरत को ट्विस्ट कर देते हैं, ट्विस्ट एकदम चूड़ी कस देते हैं ऊपर से पूरी और फिर उसको दबा देते हैं, ये लाइसेंस होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, ठीक है, यही आई कार्ड्स बनते हैं, ऐसे बनते हैं ये। अब बेटा दिल्ली पुलिस वालों जिसको भेजा था ना बुध बाजार में ओपो, चल भोसड़ी का तैयार हो जाओ, चल तुम दोनों को लेकर जाएंगे और बाकियों को भी, और तू सुनो बहन के लड़ किशन किशन पहलवान की सुने ना, पहुंच तेरी माँ चोद दूंगा बहन के लोड़ा कर नहीं पहुंचा तुम्हारा, ये तो रंडी के बीच तूने कुत्ते के बच्चे इकट्ठे कर रखे हैं ना, सबकी बहन चोदेंगे अब हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठा हुआ हरामी का बच्चा कह रहा था इसको लाइसेंस मंजूर नहीं है, तो भाई जो पहले इंटरनेशनली लाइसेंस बन चुके हैं आपको मंजूर नहीं है, हमने कहा हटा दो भाई, मैं तो तैयार था कि जो पहले एक बार लाइसेंस बन चुके हैं अफीम का सर मुझे तो दे दो, आप लिख के आपका लिखा हुआ मैं तो सही मान लूंगा भारत सरकार का, तुमने नहीं माना, नए लाइसेंस मंगवा लिए ना सुप्रीम कोर्ट में, क्यों रमन्ना जी जज का लाइसेंस पता कैसा होता है, हैं? सेल टैक्स का लाइसेंस देखना है, नहीं पता तुझे, टट्टी करती हुई औरत और आदमी उसी स्टाइल में बैठे हुए होंगे और ठीक वैसे ही उसे मारा जाता है। एयरलाइंस का लाइसेंस बताऊं, हवाई जहाज का, एयरलाइंस कंपनी का लाइसेंस पता है क्या होगा, एक आदमी और एक औरत पैर ना उसके पीछे मोड़ दिए गए होंगे ऊपर की तरफ और हाथ फैला के यहां की स्किन पूरी फाड़ के विंग्स बनाए जाते हैं, पेट खाली कर देते हैं और उसमें अंदर बच्चा होता है, ये होता है हवाई जहाज का लाइसेंस कंपनी का, कौन सी कंपनी मेरी है कौन सी नहीं उसका लोगो कैसे बनता है, तू जानता है रिलायंस का लोगो कैसे बन रहा है, एक आदमी को ठीक उसी शेप में मोड़ देंगे रिलायंस की शेप में, समझ में आई। आईबी का लाइसेंस पता है, एक नॉर्मल आदमी के टेस्टिकल्स मिनिमम 5 किलो के होंगे, मरा हुआ होगा वो, मैं बताता हूं ना आईबी कहते किसे, ऐसे नहीं मैडम जी। सेल टैक्स पता है क्या होगा, वो टट्टी खानी होती है, भारत में जिस किसी को भी इस बात का शक हो कि देश सेल टैक्स नहीं देता है बेटा वो टट्टी खानी पड़ेगी, वहां पे भर के रखी होगी, जजों की टट्टी होती है वो, जजों की टट्टी खानी पड़ेगी मुंह भर भर के, और खाते हुए जो है ना मार देंगे तुम्हें, फिर उसके बाद सेल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ये सीखेगा कि ये सेल टैक्स ऐसे दिया जाता है, सर खाया ही नहीं है तो टैक्स कहां से निकालेगा, टैक्स होती है टट्टी, सेल टैक्स बिक्री कर, समझ गया जी। हाँ बहुत शौक है ना मेरे लाइसेंस देखने का, सारे लाइसेंस मिलेंगे तो भोसड़ी वालों, अब मरे तुम सबके सब, सब मरोगे तुम, जिस जिस बहन के लौड़े को मेरा लाइसेंस देखना था ना, ठीक है, और तू बहन के लौड़े किशन पहलवान तेरी माँ की चूत बहन के लंड, तुझे तो अफीम का लाइसेंस दिखाऊंगा, अगर कह दिया तो कह दिया, आई कार्ड भी बनेंगे सब नए, सब 3 शेर पता कैसे बनते हैं, एक आदमी को ना उसकी दाढ़ी मूछ ठीक उसी तरह करके 3 शेर बनाया जाता है, एम्बलम भारत सरकार का यही रहेगा। मरियम नवाज पाकिस्तान में रह के वहां से चेक करी थी, हैं? ये सेल टैक्स तो दिया नहीं इसने, इस भोसड़ी वाले ने, अब तुझे जजों की टट्टी खानी होगी, दिखाओ भाई इसको लाइसेंस, खाना पड़ेगा तुझे, तू जानती नहीं है जजों की बात को टालने का नतीजा क्या होता है, ठीक है, और जब तक तू किसी आईसीजे से बच्चा नहीं पैदा कर लेती ना मरियम नवाज, आईसीजे हूं, तू जेल से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि इनकम टैक्स, जी हाँ पे कर चुका हूं मैं और तूने मानने से मना कर दिया, कागज पे लिखा हुआ है तो और कहां लिखेंगे, भोसड़ी की तेरी माँ के भोसड़े पे लिखेंगे, नहीं जानती, हम सिखाएंगे ना तेरे को, तुझे जजों की टट्टी खानी पड़ेगी, जजों की, सेल टैक्स ये है मैडम,
ये लाइसेंस है सेल टैक्स का, अगर जज ने लिख दिया ना तो लिख दिया, उसका थूक पीना पड़ेगा तुझे, सेल टैक्स पेनल्टी चाट। पूरा विश्व ऐसे चलता है, समझ में आ रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनती है जानती है? जब बच्चा औरत न्याय से पैदा करे, और उसी दिन सेंट्रल गवर्नमेंट खत्म मानी जाती है जब वो 9 महीने का बच्चा मुंह से पैदा कर दे, और ऐसा हुआ नहीं आज तक संसार में, समझ में आ गई? समझ में आई? और पुलिस वाले जब गांड मरवाने लग जाए ना तो पुलिस का लाइसेंस रद्द हो जाता है। एनएसजी का लाइसेंस इसलिए बहुत पहले रद्द हो गया था क्योंकि एनएसजी वाले ना गांड मरवाना शुरू कर गए थे। क्या करूं, लाइसेंस है इसलिए भाषा दे रहा हूं। गाली देने का मतलब जानती है कि आप लाइसेंस का वॉयलेशन कर रहे हो मैडम, इसलिए गाली दी। और सेल टैक्स भरूंगा कैसे पता है? जब मरे नवाज तेरी गांड मारूंगा। क्या करूं यार, ये ऐसे ही होता है, जज हूं आईसीजे हूं, तू मान ही नहीं रही, अब तेरी गांड मारूंगा और अपना जो स्पर्म है वो अंदर भर दूंगा। तो भाई सेल टैक्स भर दिया, बस ये है असली खेल। आगे भरूंगा तो इनकम टैक्स जब बच्चा पैदा करेगी। गवर्नमेंट ऐसे चलती है, और जब तेरी गांड मारूंगा ना तो सेल टैक्स डिपार्टमेंट जिंदा होगा। ऐसे तो मान नहीं रही ना तू भोसड़ी की, बार बार तुझे गाली दे रहा हूं बहन की लोड़ी, वॉयलेशन कर रही है तू जज की बात का। फिर वहां के लौड़े सुन नहीं रहे थे, एक भी अगर पुलिस वाला पकड़ा गया ना गांड मरवाते हुए तो पुलिस का लाइसेंस रद्द है, पता तुझे? और जो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं ना अपनी सैलरी से, बाहर कहीं नाजायज बच्चा पैदा किया तो और माचूदी तुम्हारी। अब समझ गए खेल? नहीं समझे? भारत सरकार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो कैसे बनता है पता तुम्हें? जब औरत की, जी हाँ, उसकी वेजाइना को पीट पीट के ना इतना सुझा देंगे, इतना एक रिंग में आ जाए। देखा SBI का लोगो? फैन के लौड़ो, तुम्हें पता क्या है अभी, तुम सब मरोगे, मैंने पहले ही कहा था। जब लिखा हुआ है ना ICJ 645 हूं तो हूं, 946 इंटरपोल हूं तो हूं, और इंटरपोल पता है आई कार्ड क्या है मेरा? देखना आई कार्ड इंटरपोल का? नहीं देखना, मैं बताऊं, एक लंबे से डंडे में ना हर उम्र के बच्चे पिरो रखे होंगे, और औरत और आदमी की गांड में डंडा देकर ना मुंह से निकाला हुआ होता है, ये है इंटरपोल। क्या करूं, मान ही नहीं रहे बहन के लौड़े। नया लाइसेंस बनेगा, बना देंगे, और किस किस को चाहिए मेरा लाइसेंस आई कार्ड इंटरपोल का? हाँ बे, तैयारी कर लो बहन के लौड़ो, आ गया इंटरपोल। IG इंस्पेक्टर जनरल और सेक्रेटरी जनरल भारत से है बहन के लंडो, इसलिए लाइसेंस यहां बनेगा। अब मान ही नहीं रहे, पहले जब अमेरिका से लाइसेंस था मान ही नहीं रहे बहन के लौड़े, कह रहे नहीं है इंटरपोल वाला नहीं, आम आके लौड़े। कौन कौन कह रहा था बे? जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं इनकी बीवी हो चाहे बच्चे हो, मानो या ना मानो, मरियम नवाज कह रही ये कहां से इंटरपोल वाला है, तो तेरी गांड में भी डंडा घुसेगा। क्या बात कर रहे हो तुम, शर्त लगा लो। अब बताता हूं लैंड के बारे में, जमीन के सौदे कितने होते हैं और कैसे। जिस किसी को मेरी जमीन पे शक हो ये मेरी नहीं है, वो देखना चाहे तो एक आदमी को मार के फैला दिया जाता है कागज की तरह, और उसके शरीर पे उस जमीन की पैमाइश और नक्शा लिखा जाता है और मालिकाना हक। असोला वाइल्ड लाइफ किसकी है पता लग जाएगा, और जिसको शक होगा वो अगली किसी रजिस्ट्री के कागज में काम आएगा। आओ बहन के लंडो, आ तेरी माँ की चूत मैदानगढ़ी का प्रधान है, आ बहन के लौड़े भरते के अटैक नाम है तेरा, एक एक को ढूंढ बहन के लौड़े किस। यार फायदा है यार, रजिस्ट्री का कागज तू जानता नहीं है कितना महंगा होता है, पैसा दिया बहन के लैंड, लिख के भेज दिया, बहुत है तू लिख के ही भेज दे। वर्ल्ड बैंक का वॉल्ट पता कैसे होगा? वर्ल्ड बैंक अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट, एक औरत झुकी हुई होगी और उसकी गांड में ना 2.5 फुट की चाबी दे रखी होगी,
ये ऐसे वॉल्ट बनते हैं। तो जानते हैं कितने वॉल्ट बना रहा हूँ मैं? शायद कहीं पाकिस्तान की पब्लिक ना कम पड़ जाए मरियम नवाज। कमल का फूल कैसे खिलेगा सब सिखा देंगे। मुकेश भैया, इस घर का मालिकाना हक मेरा नहीं है, पता कर लियो। ठीक है, पता है कैसे? हम बताते हैं तुझे। एक आदमी जिसको सबसे ज्यादा दिक्कत थी ना कि ये मकान मेरा नहीं है और मैंने पैसे नहीं दिए खरीदने के, उसको मार के ना बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके, ठीक है, सीमेंट के मसाले में लगा रखा है। जा देख ले, उस पे एड्रेस लिखा हुआ है, इस मकान की रजिस्ट्री है, और कागज उस बहन की लोड़ी के शरीर पे लिख दिया है जिसको सबसे ज्यादा दिक्कत थी मां की लोड़ी को। और किस किस को दिक्कत है वे? मेरे तो बहुत काम आने वाले हो तुम बहन के लंडो। और ये जो 28 मकान खरीदे हैं ना मैंने, 28 है पता नहीं कितने हैं, इसकी भी रजिस्ट्री ऐसे बन रही है। बस तुम रहते रहना बहन के लंडो, तुम कागज बनने का ही काम आओगे और तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला। ये रजिस्ट्री पेपर्स हैं, ठीक है, चिंता मत कर। तू नेहरू राय, तेरी माँ का भोसड़ा बहन के लोड़ा, जिस मकान में तू रह रहा है ना वो मेरा है, माँ के लोड़ा पेमेंट करी है भोसड़ी का। तू और तेरी औलादे ना इसी काम आएगी, क्योंकि जितनी जमीन मैंने खरीदी है ना बहुत कम पड़ने वाले हैं। इन बहन के लंडों को बहुत ऑब्जेक्शन है। इधर आओ माँ के लोड़े, पुलिस वाला है तू, चल अफीम का लाइसेंस देखने, ये मकान इसका कैसे है, चल माँ के लौड़े तेरी भी बहन चोदी। अब आईसीजे हूँ बहन के लंड, आईसीजे माँ के लौड़े मोदी की बहन की चूत भोसड़ी के इंटरनेशनल क्रिमिनल जज को चैलेंज करेगा मुकेश तू? हैं, इतनी औकात तेरी, इतनी औकात हो गई है तेरी, इतनी औकात तेरी। अबे जज हम जज, समझा? मैंने रमन्ना को गाली दी, रमन्ना की बाप नहीं निकली। जाओ सर, हग हग के रखो इन बहन के लौड़ों को, सेल टैक्स भोसड़ी के लाइसेंस लिखा ना सुप्रीम कोर्ट ने तो मान, और नहीं तैयारी कर ले, आर्मी और फोर्स हमारे पास भी है, गवर्नमेंट कोई भी हो जजों से ऊपर नहीं है। संसद में तुम जो भी कुछ करोगे, अगर ऑब्जेक्शन हमारे पास आ गई तो न्याय होके रहेगा। वाह भाई वाह मुकेश, यार तूने तो हदी पार कर दी, कोई लिमिट होती है किसी चीज की भाई? रजिस्ट्री कागज बता रहा हूं, रजिस्ट्री कागज। तू जानता है कैसे बनता है रेवेन्यू में? हैं? नहीं जानता? आदमी को मार के ना उसकी खाल को सुखा के रजिस्ट्री पेपर बनता है मुकेश। तू तो अदालत में है, सोच तो ले क्या कह रहा है। कहा तुझे प्रॉपर्टी के पेपर ऐसे नहीं, तो हमने कहा दोबारा बना देंगे, क्या हो गया, अदालत में बनेंगे? मुझे लाइसेंस बनाने नहीं आते, मुझे लाइसेंस के बारे में नहीं पता, मैं इंटरपोल में चीफ नहीं हूं। अच्छा जी, मैं आईबी चीफ नहीं हूं, मंगो बनाए सारे लाइसेंस लेके आ, भारत के 36 के 36 राज्यों में मैं हूं आईबी चीफ और डीजी रॉ। समझ में आ गई? आधा कच्चा आधा पक्का, हम सिखाएंगे खेल। भारत सरकार को चुनौती देनी दी है ना तुमने, तो भुगतोगे तुम। जिस किसी को दिक्कत है मेरे पद से, मेरे पैसे से, ठीक है, वो लाइसेंस बनने की तैयारी कर ले, चाहे कोई भी हो, क्योंकि मैं अपने पद से बिल्कुल भी नहीं हटने वाला। समझ में आ रही है? सेल परचेज नहीं पता तुझे, थूको तो सेल, अब चाट लाला सेल का लाइसेंस है भाई साहब, बेचने का, खरीदने का लाइसेंस जानता क्या होता है?
यहाँ रहस्य छोड़ दूँ, ये सारा ज्ञान दे दूँ उस वीडियो में? बोल। ये इसी काम आएंगे, रजिस्ट्री पेपर गई, मकान हो गया, सब हो गया, वॉइस हो गई, पैसा चला गया, फिर बकवास कर रहे, फिर बकवास कर रहे। अच्छा जी, बना रजिस्ट्री पेपर इन सबके, भयंकर मकान खरीदे हैं। मत मानो, राष्ट्रपति भवन को कहा था कि सर आप एक कागज पे मान लो, इन्होंने कहा हर मकान की रजिस्ट्री, तो हर मकान की बना देंगे सर, हमें क्या दिक्कत है। राष्ट्रपति भवन की रजिस्ट्री तुम्हारे महामहिम की खाल पे बनेगी, हमें नहीं मतलब है कोई हो, याद रख लेना। और संसद भवन की रजिस्ट्री वहां के लोकसभा स्पीकर और सांसदों के शरीर पे बनेगी, हमें कोई मतलब नहीं है। पैसा मैंने दिया, बिल्डिंग्स मेरी हैं, समझ में आई बात? खत्म तो खत्म, लेके आ इसको लाइसेंस दिखाने के लिए। आके बुध बाजार में बकवास कर रहा हूं, ओप्पो की रेड है, ओप्पो। अच्छा जी, हाथ लगा के दिखा दो निकांग को, हाथ लगा के दिखा, फिर बताता हूं तेरे को मैं। लाइसेंस देख क्या वहां पे, और दिल्ली पुलिस तो मेरे ख्याल से ना पूरी की पूरी लाइसेंस के काम आने वाली है, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले भी लेके आबे। बंदूक पता है कैसे बनाते हैं? गन देख तो सही, बंदा इस शेप में कर देंगे कि देखने में डिट्टो असॉल्ट राइफल लगेगा। और मैगजीन कहाँ भरते हैं पता है? देखता रहियो, एग्जीबिशन बड़ी खतरनाक होती है हितेश रे वन के लाइसेंस की, जाओ पैसा लगता है पर। चल बे एसपीजी, बहुत बड़ा एसपीजी बन रहा तू, चल वहीं बैठा रखे हैं तेरे गार्ड, लाइसेंस देखने आते जी, ऐसे कैसे लाइसेंस मिल जाएगा, देख तो ले, नए लाइसेंस बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बना रहा है, आईसीजे के ऑर्डर पे बना रहा है, बिल्कुल बना रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है। कि सर क्या करें, आईसीजे के ऑर्डर आ रखे कि इंटरपोल वाला भाई भारत से है इस बार, और परमानेंट है सर, इंस्पेक्टर जनरल है, सेक्रेटरी जनरल है सर, इंटरपोल चीफ है सर, मान ही नहीं रहे। चलो सर नया लाइसेंस, कौन कौन नहीं मान रहा, आ जा भाई। हाँ हर राज्य के लिए सर बिल्कुल बनेंगे, और बोलो तो हर जाति और धर्म के हिसाब से बनवा दूं, मुसलमानों को अलग लाइसेंस चाहिए, हिंदू को अलग लाइसेंस चाहिए देखने के लिए, ईसाइयों को और ज्यूइशों को अलग, बना देंगे सर, बनाओ बे, बनाओ, चालू रहो, बुला के लेके जा इसको किशन पहलवान को, समझ में आ गई? यार मुझे चैलेंज कर रहा है, ये लाइसेंस नहीं है, चल ना लाइसेंस देखने। जिन्होंने तेरे को फोन किया लाइसेंस है उसके पास, तो तुझे मान लेना था ना, वही लेके जाएंगे तुझे और तेरी बीबी को भी, दोनों को देख, अफीम का लाइसेंस दिखाते हम, ठीक है ना, सबको। कौन कौन है मैडम, कौन कह रही थी घर मेरा नहीं है, हैं अम्मा, चल तू भी इसी काम आएगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कानून है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। घर आके मुकेश हमला तूने किया, तूने हमला किया मुकेश मेरे पे, ये कानून है, और कानून से ऊपर ना तू है ना मैं हूं। भाई तूने कहा ठीक है भाई, इसने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा ठीक है भाई, हैं? अब तू कह रहा है ये घर मेरा नहीं है, अब तू अदालत ही आ जा, सुप्रीम कोर्ट। नजारत का कागज दिखाया तुझे, कागज इसी से मान लेना, तेरी खाल पे रजिस्ट्री करा लूंगा ये घर मुकेश, तू जानता नहीं है अभी। तेरी खाल पे रजिस्ट्री कराऊंगा तब मानेगा पूरा भारत। आईसीजे का मतलब क्या होता है? आईसीजे हूं, इंटरनेशनल क्रिमिनल जज एशिया। बदतमीजी, हम सिखाएंगे ना बदतमीजी का जवाब कैसे दिया जाता है, चाहे तू कोई हो और कोई रिश्ता हो, कहा तो कहा,